has penned more than 4,000 songs, written for more than 600 films, worked with more than 100 music directors, nominated for 40 awards, winner of 3 Filmfare Awards. Ladies and gentlemen, presenting the legend, Sameer Anjan! And his unusual, surprising, extraordinary lyrical journey of Bollywood. ये सफरनामा सिर्फ मेरा नहीं, दो जनरेशन का है, मेरा और मेरे पापा गीतकार अनजान का है। आपको यकीन नहीं होगा, एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने मेरी डायरी चौथे महले से नीचे फेंक दी और उसने मुझसे कहा कि तुम जिंदगी में गीतकार नहीं बन सकते हो, मगर पापा की वो एक लाइन मुझे याद आई कि जब अभी जीता नहीं है मैं अभी हारा नहीं हूं, फैसला होने से पहले हार क्यों स्वीकार कर लूं। और इन चंद पंक्तियों के साथ मैं आगे बढ़ता गया और पहली सफल फिल्म जो मुझे मिली और ये मेरी जिंदगी और मेरे इश्क इश्क करना है पहले, इश्क इश्क में जीने मरने, इश्क इश्क ना हो दोबारा, इश्क ही तो जिंदगी है, इश्क ही तो हर खुशी है, इश्क में खुद को भुला के Sabarnama, a live musical experience. It marks a momentous occasion to celebrate his artistry, creativity, unwavering commitment to the universal language that unites us all, music. And now I'd like kindly request our esteemed guests who will be gracing us with their presence on the stage here. पशुपतिनाथ की धरार पे मैं आपके हृदय से अब मैं अभिनंदन करता हूँ, आप यहाँ आए और मैं आपका आभार कैसे प्रकट करूँ ये मेरे पास शब्द नहीं है। साहित्य कला मंदिर और नेपाल लिरिक राइटर एसोसिएशन का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मुझे कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, मेरे परिचय से लेके मेरे जीवन के हर पहलू पे इतना सुंदर वक्तव्य मेरे हृदय के बहुत करीब मेरे मित्र वसंत चौधरी साहब ने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा वो कि जो काम जहां से किया जाता है वही असर करता है। अगर आप हृदय से काम करेंगे तो हृदय पे असर करेगा, अगर आप दिमाग से काम करेंगे तो बात दिमाग तक ही होके चली जाएगी। अब जो बच्चे बोलते हैं कि सर वैसे गाने क्यों नहीं बनते या 70s और 90s के गाने हम आज भी सुनते हैं और आज का म्यूजिक हमको नहीं समझ में आता, तो मैंने कहा कि बेटा अभी सब कुछ है, दिल का रिश्ता खत्म हो गया और जब तक दिल का रिश्ता जुड़ेगा नहीं तब तक दिल तक तुम्हारे गाने पहुंचेंगे नहीं।
ये मैटी और पिज्जा की तरह खा के फेंक के चले आओ घर, फिर चावल दाल पे जब तक तुम आओगे नहीं तब तक जिंदगी में ठहराव कहीं आएगा नहीं। तो मैं वो चंद पंक्तियां आपको सुना सकता हूँ गुनगुना के, और उन्होंने की है। जहाँ बर्फ गिरे सुबह शाम जाड़ों में, जहाँ बर्फ गिरे सुबह शाम जाड़ों में, मुझे ले चलो कभी उन पहाड़ों में, मुझे ले चलो कभी उन पहाड़ों में, जहाँ मंद मंद झोंके हवा के बहे, जहाँ चांद दिखे नीले आबशारों में, जहाँ बर्फ गिरे सुबह शाम जाड़ों में, मुझे ले चलो कभी उन पहाड़ों में। मैं सोच रहे थे कि मैं पिताजी के ऊपर वो किताब लिखूंगा, उनको डेडिकेट करूंगा, मगर मैंने उसके ऊपर तो दो पंक्तियां मैंने लिखी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आपके हृदय को वो कहीं ना कहीं स्वीकार होगी। कहता है कि कैसे पूरी होती मन्नत देखी, कैसे पूरी होती मन्नत देख ली, मैंने माँ को देखा जन्नत देख ली, मैंने माँ को देखा जन्नत देख ली, कैसे पूरी होती मन्नत देख ली। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम।